हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम वैदिक गणित का सीरीज चला रहे थे और वैदिक गणित के लास्ट क्लास में हमने अपने चौथा नंबर का जो सूत्र था, परावर्त्य योजीय सूत्र की सहायता से हमने अंक गणित और बीज गणित दोनों प्रकार के गणित के प्रश्नों को हल करना, भाग देना सीख लिए थे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज की इस क्लास में हम अगला जो हमारा सूत्र आता है, पांचवा नंबर को जो हमारा सूत्र आता है वैदिक गणित में, इसके बारे में आज हम एकदम डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आ जाइए, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम बिना किसी एक सेकंड के गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो वैदिक गणित के पांचवा नंबर का जो आपका सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम क्या है, शून्यम साम्य समुच्चय। अब शून्यम साम्य समुच्चय, इस संस्कृत के शब्द का हिंदी मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझना चाहेंगे। तो यहां पर लिखा गया है पांचवा नंबर का सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, जिसका हिंदी अर्थ होता है जब समुच्चय एक समान है तब उस समुच्चय का मान शून्य होता है। बेसिकली दोस्तों, इस जो सूत्र है इसका उपयोग हम बीज गणित करते हैं, वैसे इसका उपयोग अंक गणित में भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज जो है हम बीज गणित में करते हैं। बीज गणित के जो समीकरण होते हैं, विशेष प्रकार के जो समीकरण होते हैं, इक्वेशन होते हैं, इसको हल करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के समीकरणों को हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, सारी चीजों के बारे में आज हम एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सूत्र है ना, वो बाकी सूत्रों से थोड़ा सा लंबा बनने वाले हैं। यहां पर मैं आपको 6 कंडीशन के बारे में बताने वाला हूं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र को अलग अलग पार्ट में समझेंगे। मैं इसको 2 से 3 पार्ट में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। आज के इस पार्ट में मैं आपको 2 कंडीशन के बारे में, 2 केस के बारे में बताना चाहूंगा। बाकी के जो कंडीशन होते हैं उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आपके जो वीडियो आएंगे ना, उस पर हम बताना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम शुरू के जो 2 कंडीशन है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। देखिए, अब इस हिंदी मतलब को हमें ज्यादा एकदम जोर देकर समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जाना चाहेंगे अपने कंडीशन पर, अपने केस पर जाना चाहेंगे। तो सबसे पहला इस सूत्र का उपयोग होता है, आपको दिख गया केस नंबर पहला। तो केस नंबर पहला में हम पहला यहां पर उपयोग देखने वाले हैं कि इस सूत्र का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, विशेष प्रकार के समीकरणों को ही हल करने के लिए इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो पहला नंबर का उपयोग, यानी कि केस फर्स्ट को आप पढ़ लीजिए, जिसका नाम लिखा गया है सर्वनिष्ठ खंड, जिसे हम कॉमन फैक्टर मेथड या फिर विधि भी कहते हैं। अब इस कॉमन फैक्टर मेथड का मतलब क्या होता है, तो एक लाइन यहां पर जो बात लिखी गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी समीकरण में कोई पद, कहने का मतलब होता है कि चर पद। चर और अचर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चर पद क्या होते हैं, जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसको हम चर से डिनोट करते हैं। और अचर यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जो संख्या होती है, जो गिनने के लिए हम संख्याओं उपयोग करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये अचर कहलाते हैं। तो यहां पर बोला गया है, यदि किसी समीकरण में कोई पद, कहने का मतलब होता है कोई चर पद, जिसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं, कोई चर पद उभयनिष्ठ है, तो वह पद शून्य के बराबर होता है। अब यहां पर आपको अलग अलग 4 टाइप के एग्जांपल दिख रहे होंगे। चारों एग्जांपल की सहायता से हम पहला नंबर का जो उपयोग है सर्वनिष्ठ खंड विधि, यानी कि कॉमन फैक्टर मेथड, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो ये एक लाइन आपको समझ में आ गया। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखो क्या बोला गया था, यदि किसी समीकरण में कोई चर पद उभयनिष्ठ है तो उस चर पद का मान शून्य होता है। तो पहला नंबर का एग्जांपल देखिए, यहां पर 7x + 3x है इज इक्वल टू 4x + 5x। इसको आप हल करोगे तो पहले क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, फिर पक्षांतर वगैरह करोगे और वहां से आप x का मान निकालोगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वैदिक गणित उस लंबे प्रोसेस को शॉर्ट कर देता है। आप कम समय में इस समीकरण में x का मान निकाल सकते हैं, जो वेरिएबल है x, इसका आप मान पता कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर देखने पर, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि सभी में
एक सौ वाले पद है, सभी में क्या है चर एक सौ वाले पद है, यानी कि क्या है कॉमन है, चर पद क्या है इसमें एक सौ है जो कि सभी में कॉमन है। तो हमारा पहला नंबर का जो यहां पर मेथड होता है वो यही तो बोल रहा है ना कि यदि किसी समीकरण में चर पद कॉमन है तो उस चर पद का मान क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। यानी कि डायरेक्टली अगर मैं इसका एंसर लिखना चाहूंगा तो एक सौ बराबर शून्य होने वाला है, एक सौ बराबर शून्य होने वाला है। आपको कोई जोड़ घटाव या फिर पक्षांतर अगर कोई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो एक से बराबर जीरो। अगर आपको रीजन पूछा जाए तो रीजन में क्या बोलोगे कि साम्य समुच्चय के पहला नंबर का उपयोग ये बोल दोगे कि यदि किसी समीकरण में चर पद कॉमन है तो उस चर पद का मान शून्य होता है। ये पहला नंबर का एग्जांपल हमने इसको देखते ही जवाब दे दिया कि यहां पर जो चर पद है ये वेरिएबल जो x है इसका मान शून्य होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। अब दूसरा नंबर का एग्जांपल देखिए, यहां पर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन को समीकरणों को अच्छे से ऑब्जर्व करना और उसमें आप कॉमन ढूंढने का प्रयास करना। यहां पर देखो x प्लस वन और यहां पर x प्लस वन है, ये x प्लस वन ये कौन सा पद है, ये आपका चर वाले पद है। यहां पर देखो x प्लस वन है, एक सा चर है और यहां पर प्लस वन है, तो यह टोटल मिलकर क्या हो जाएगा चर वाला पद हो जाएगा और यह चर वाला पद हो जाएगा। यह दोनों पक्षों में कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है और इसके इस साइड राइट हैंड साइड में भी कॉमन है। तो यहां पर x प्लस वन क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो चुका, क्या हो चुका, चर पद कॉमन हो चुका। जब चर पद कॉमन हो जाए किसी समीकरण में तो वहां पर वो चर पद का मान हमेशा क्या होता है जीरो के बराबर होता है। तो इसमें अगर आप सामान्य मेथड से हल करोगे तो कैसे करोगे, पहले पांच का गुणा दोनों पदों के साथ, फिर तीन का गुणा दोनों पदों के साथ करोगे, फिर एक से एक को एक साइड रखोगे, फिर आप क्या करोगे कॉन्स्टेंट को एक साइड, फिर पक्षांतर वगैरह करोगे और एक से का मान निकालोगे। आपको जरूर से जरूर तीन से चार मिनट इसको लग जाएगा हल करने में, या फिर कई ऐसे दोस्त होंगे जिसको पांच मिनट भी लग जाएगा, लेकिन हमें इसका आंसर पांच सेकेंड में देना है, मात्र पांच सेकेंड में। देखो x प्लस वन दोनों पक्ष में कॉमन है तो x प्लस वन जो है वो जीरो के बराबर होगा, प्लस वन को उस साइड ले जाओ तो x इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पांच सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकते हो, कौन से मेथड से, सर्वनिष्ठ खंड विधि कॉमन फैक्टर मेथड से आप इजिली इसका आंसर x इज इक्वल टू वन बता सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्चुअली माइनस वन, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, और अगला एग्जाम्पल यहां पर दिया गया, अच्छे से इसको पढ़ना। 8 के साथ गुणा में क्या है x माइनस थ्री है, फिर माइनस टू x माइनस थ्री है इज इक्वल टू नाइन इंटू x माइनस थ्री है। यहां पर इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, आपको कॉमन क्या दिखने वाला है, कौन सा चर पद कॉमन दिखेगा, तो x माइनस थ्री यहां पर भी है, x माइनस यहां पर भी थी, ठीक है, यहां पर ये अलग पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है आपको, x माइनस थ्री कॉमन दिख रहा है। इसके अगले वाले पक्ष में राइट हैंड साइड में भी ये पद x माइनस थ्री कॉमन दिख रहा है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ पहले नंबर के सूत्र में कि किसी समीकरण में चर पद का मान कॉमन है तो वह चर पद शून्य के बराबर होता है। तो x माइनस थ्री को आप जीरो के बराबर ले लोगे और माइनस थ्री को उस साइड पक्षांतर करोगे तो वो प्लस का थ्री हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू यहां पर थ्री आ चुका। मात्र पांच सेकेंड भी नहीं लगता है, एक सेकेंड में आप बता सकते हो क्या कि x माइनस थ्री इसमें कॉमन है, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री को पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू थ्री आपका बिल्कुल आंसर आने वाला है। सामान्य तरीके में आप क्या करोगे, पहले आठ का गुणा इसके साथ, फिर माइनस दो का गुणा इसके साथ, फिर नौ का गुणा इसके साथ, फिर आप चर वाले पद को एक तरफ और अचर वाले पद को एक तरफ, फिर एक से का मान निकालोगे, बहुत लंबा लगेगा, कम से कम आपको पांच मिनट इसको लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समीकरण में एक से का मान ज्ञात करने के लिए। लेकिन वैदिक गणित की सहायता से देखो मात्र दो सेकेंड में आप इसका आंसर पता कर दिए, ठीक है दोस्तों, ये होता है वैदिक गणित भाई। आइए अगला नंबर का एग्जांपल दिया गया, देख लो इतना लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहां पर कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखो कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर ये पहला वाला पद हुआ, मैं बात कर रहा हूं समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हमारा दूसरा वाला पद हुआ जिसे हम इंग्लिश में टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर समीकरण के
राइट हैंड साइड में केवल एक ही पद दिया गया है। कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं, एक सौ माइनस टू यहां पर दिख रहा है, एक सौ माइनस टू यहां पर भी दिख रहा है, तो दोनों में तो एक सौ माइनस टू कॉमन हो गया, लेकिन ये एक सौ माइनस टू जो है वो समीकरण के दूसरे पक्ष में भी होना चाहिए, यहां पर बिल्कुल आपको दिख रहा है एक सौ माइनस टू है। तो यहां पर फिर से हम इसी मेथड का अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये जो कॉमन पद है ना, कॉमन जो यहां पर टर्म है ये जीरो के बराबर हो जाता है, तो एक सौ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दोस्तों। तो एक से इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर सर हमें मिल चुका है एक से इज इक्वल टू टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड लगता है इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हो। तो विशेष प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए हम यहां पर बीजगणित में क्या करते हैं, पांचवें नंबर का जो सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय इसका यूज करते हैं। तो पहला नंबर का आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, पहला नंबर आपका मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के मेथड में, ठीक है। देखिए तो केस नंबर टू यानी कि आप बोल सकते हैं उपयोग नंबर दूसरे, यानी कि दूसरे विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं, दूसरे मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, स्वतंत्र या फिर अचर, स्वतंत्र या फिर अचर इसी को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, गिनने के लिए हम जो संख्याएं यूज करते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसी को कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पद समान विधि, पद समान विधि, तो इस विधि का नाम क्या होने वाला है, स्वतंत्र या फिर अचर पद समान विधि। अब ये क्या कहता है, तो यहां पर दो लाइन लिखी गई है कि किस प्रकार के समीकरणों को हम यहां पर हल करेंगे और कैसे हल करेंगे। देखो यदि किसी एक घाती समीकरण, पहली बात तो ये एक घाती समीकरण पर ही अप्लाई होने वाला है, एक घाती समीकरण पर इसको हम लागू कर सकते हैं। यदि किसी एक घाती समीकरण के दोनों पक्षों में अचर पद समान हो तो उस चर का मान शून्य होता है। अब यहां पर एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे समझ समझते हैं। देखो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, 3x plus 4 is equal to 5x plus 4। यहां से अगर मैं आपको x का मान निकालने के लिए कहूं तो आप सामान्य मेथड में क्या करते हो, पहले आप क्या करोगे, जितने भी चर वाले पद है x वाले पद उसको एक तरफ रखोगे और कांस्टेंट वाले को एक तरफ रखोगे, वहां से x का मान निकालोगे। आपको कम से कम दो मिनट का समय तो यहां पर लगने वाला है, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करके आप मात्र दो सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हो। कैसे, देखो तो इसका हमने यहां पर मतलब को समझ लिया, यदि किसी एक घाती समीकरण में अचर पद का मान समान है तो उसका यानी कि उस समीकरण में जो चर दिया जाता है, जो वेरिएबल दिया जाता है, उस वेरिएबल का मान शून्य होता है। अब यहां पर मुझे यह बात बता दो कि वहां पर वेरिएबल आपको चर क्या दिख रहा है, तो एक से दिख रहा है, इस एक से का मान निकालना है। तो एक से का मान कैसे निकालेंगे, देखो दोनों पक्षों में देखो चर को देखो, दोनों पक्षों के चर को देखो, चर यहां पर अकेला केवल चर पद को देखो, चर पद बस को देखो, जिसमें चर और अचर दोनों गुणा के रूप में है उसको मत देखो, केवल और केवल आप देखो अचर पद को देखो, कांस्टेंट को देखो। तो यहां पर चार दिख रहा है, यहां पर चार दिख रहा है, दोनों पक्ष में अचर पद जो है वो समान है, चार यहां पर भी है, चार यहां पर भी है। तो इस केस में डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो कि एक से इज इक्वल टू जीरो आने वाला है, एक से इज इक्वल टू जीरो आने वाला है। बिल्कुल कोई भी हल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको पक्षांतर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक से इज इक्वल टू जीरो आ गया। मैंने कैसे जाना, दोनों समीकरणों को हमने देखा, दोनों पक्षों को देखा, और यहां पर हमने अचर पद, केवल और केवल अचर पद को देखा हुआ है, अचर पद समान है, तो यहां पर जो भी समीकरण में चर पद दिया जाएगा उस चर का मान जीरो के बराबर हो जाएगा, तो एक से इज इक्वल टू जीरो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का हम एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। अब कई लोग बोलेंगे यहां पर तो हमें जो अचर पद है ये समान नहीं दिख रहा, लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ने वाली है। देखो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो यहां पर मैंने लिखा y प्लस थ्री, मैं ब्रैकेट को हटा देता हूं, प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस ये हो चुका 5 प्लस 4। हमें तो केवल मतलब रहता है अचर पदों से, तो अचर पदों को यहां पर मैं जोड़ता हूं, मैं अभी तक समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को लियो ना, अचर पद से हमें मतलब है। तो अचर पद को देखो, ये 3 ये 5 और ये 4 सबको जोड़ दो, क्योंकि सब प्लस प्लस वाले हैं, ये प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, तो सबको हम ऐड कर देंगे। देखो कैसे, तो 3 और 5 ये हो जाएगा 8, 8 और 4 क्या मिला, 12 मिल चुका दोस्तों, कितना मिल चुका, 12 मिल चुका। अब हम बात करते हैं समीकरण के राइट हैंड साइड के बारे में।
तो यहां पर क्या था, टू मैं गुणा कर रहा हूं टू का इन दोनों पदों के साथ, तो वाई का गुणा करेंगे तो टू वाई हो जाएगा, प्लस दो का गुणा अगर मैं प्लस सिक्स के साथ करूंगा तो क्या मिल गया सर, मिल चुका बारह। यहां पर केवल अचर पद से मतलब है, तो अचर पद को देखो क्या दिख रहा है, यहां पर दिख गया बारह, क्या दिख गया दोस्तों, बारह दिख गया। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर अचर पद का मान भी बारह आया, और समीकरण के राइट हैंड साइड में जो अचर पद है इसका मान भी बारह आ गया। अचर पद समान है तो चर का मान शून्य के बराबर होगा, शून्य केवल आपको y दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू यानी कि इस समीकरण में y का मान जीरो के बराबर आने वाला है। बिल्कुल आप दो सेकेंड में इसका आप आंसर बता सकते हो, अदरवाइज इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको तीन से चार मिनट लग जाएगा। तो इतना शॉर्ट कर देता है हमारा वैदिक गणित। तो इसलिए दोस्तों वैदिक गणित को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे समय को बचाने के लिए। अगर आपको समय प्यारा है तो बिल्कुल आपको वैदिक गणित सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको वैदिक गणित थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपके लिए सरल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप वैदिक गणित को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको दो इसके केस के बारे में बता दिया, पांचवें नंबर के जो सूत्र है इसके हम छह कंडीशन के बारे में बात करेंगे, दो कंडीशन के बारे में हमने बात कर लिया, बाकी के जो यहां पर कंडीशन रहेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना चाहेंगे, वीडियो ताकि लंबा ना हो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और इसी तरह के और आपको वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जब YouTube में कोई भी वीडियो आएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और बड़े आराम से आप कुछ नई चीजें सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।